आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल योगाचार्यों के बीच पहुंची और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। रानी अग्रवाल योगाचार्यों और स्वच्छता के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। चाचा नेहरू पार्क में प्रतिदिन हो रहे विभिन्न तरह के योग व लाफ्टर योग कार्यक्रम में सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल पहुंची। महापौर रानी अग्रवाल ने स्वच्छता में विशेष कार्य करने वाले और योग आचार्यों को पुरस्कार प्रदान किया। योगाचार्य विजय यादव, अंतर्राष्ट्रीय लाफ्टर योग प्रशिक्षक मनोज रांगड़, दीपा सिंह, संतोष द्विवेदी, वकील अमरेंद्र सिंह परिहार व विनय यादव सहित कई लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। महापौर रानी अग्रवाल ने कहा कि सुबह सभी को योग के साथ इस तरह का हास्य योग करना चाहिए ताकि जीवन से तनाव कम हो सके। योग बहुत ही अच्छा होता है। हम दिन भर की जो दिनचर्या और जो आज का है कि इतने व्यस्त जीवन में, और सुबह का समय बहुत ही अच्छा। आज अभी हमने देखा योग हंसते हुए किस तरह हमारे स्वामी जी ने हमको सिखाया, और बहुत ही अच्छा है योगा करना सुबह की। अगर योग में हमारा दिन भर बहुत अच्छा रहता है, और योग के जरिए कई आसन होते हैं, और ये हमारे आत्मा और शरीर का मिलन है, तो इस प्रकार से ये हमेशा सबको पूरे देश में तो चल ही रहे, सबको करना भी चाहिए। हम सबको बहुत ही अच्छा है, और ये कार्यक्रम ऐसे होते रहने चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।